हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन अनदर एनालिसिस फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर फिफ्टींथ ऑफ अक्टूबर टूमोरो माई नेम इज़ तरुण और मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसी एनालिसिस जो है बैंक निफ्टी एक्सपायरी धमाके के बारे में जी हां डोंट मिस आउट बिकॉज इट्स कॉन हैपन वेरी सुन टूमोरो आई एम ऑल्सो वी आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट द लेवल्स गिवन इन यस्टरडेज वीडियो वो किस तरीके से काम किए कैसा हमारा आज का ट्रेड रहा I hope everybody समने uh, everybody had made some money uh, and uh, in profit today हम डिस्कस करेंगे कि हमारे ट्रेड uh, कैसा रहा और किस तरीके से हमने यू नो कनेक्ट किया मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी अपने मेंबर्स को फ्रेंड्स uh, को ट्रेडर्स फ्रेंड्स को अपडेट uh, किया था कि क्या ख़रीदना है क्या नहीं ख़रीदना है ताकि वो भी कुछ पैसा बना सके और काफ़ी लोगों ने ग्रुप के अंदर पैसा बनाया है uh, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ सकते हैं ट्रेड uh, ट्रेडिंग विद तरुण इज़ माई हैंडल फॉर uh, द टेलीग्राम चैनल ट्रेडिंग विद तरुण एंड यू कैन जॉइन let's go quickly on ऑन uh, bank nifty nifty analysis on the chart and you will see दिसिसिस uh, अगर आप देखेंगे आज का जो मूव कैसा रहा कल हमने kal humne दिया था जो बहुत jo था uh, वो tha था तेईस हजार एक सौ अस्सी और 200 का लेवल uh, जो रीज़न की वजह से जाता है, कल भी मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाई थी देखिए बैंक निफ्टी काफ़ी टाइम से एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था ये एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था और इसको रेस्पेक्ट किया इसने काफ़ी टाइम तक इसके अलावा एक ये रेजिस्टेंस था तो मेरे दोनों को मिला के एक, एक रेजिस्टेंस लाइन जो यहाँ पे बनती है वो बनती है ये वाली और यहाँ पर ये देखिए मैच कर रहा है यहाँ पर एक बाउंस आना बनता था तेईस हज़ार ट्वेंटी थ्री द लेवल ये एरिया था इसके आस तो उसने लो मारा तेईस का और वहाँ से बाउंस बैक करके ये कैंडल ऊपर गया मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर तेईस हज़ार जब मार्केट तेईस हज़ार दो सौ बीस पर था मैंने बाई का बाय का कॉल दिया था विद द स्टॉप लॉस ऑफ ट्वेंटी वन ट्वेंटी थ्री थाउजेंड वन फिफ्टी और uh, वहाँ से जिस हमारे ग्रुप में जिसमें लेते हैं नौ सौ पॉइंट का रैली वहाँ से देने को मिला सेकेंड कॉल मैंने बाईस तेईस हज़ार छः सौ पर दिया था uh, तो वहाँ से भी लोगों ने तीन सौ पॉइंट का एडिशनल uh, गेन कैप्चर किया सो so, ये रहा हमारा मूव और कल के जो लेवल थे वो काम किए मैंने बोला था, था इसी तरह दोस्तों के बाद अगर आपको कोई बुलिश पैटर्न मिलता है तो आप वहाँ पर ट्रेड ज़रूर लीजिएगा जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट भी किया और लोगों ने काफ़ी अच्छा पैसा बनाया इसके अलावा अगर आपने फाइव मिनट्स हैक वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज़रूर देखेगा उसने भी किस तरीके से पैसा बनाया वो भी देख लेते हैं पाँच मिनट का चार्ट खोल लेते हैं हमने बोला था नाइन का जो हमारा कैंडल है उसका हमने लो और हाई मार्क करना है नाइन का कैंडल हमारा ये रहा मैंने इसका हाई मार्क किया और मैंने इसका लो मार्क किया सो so, सिर्फ हाई एंड लो मार्क नहीं करना है जो पॉइंट डिफरेंस है वो है थर्टी थ्री पॉइंट्स का टोटल थर्टी फोर पॉइंट्स का और मल्टीप्लाई बाय विद फाइव टोटल हमारा टारगेट बनता था इसके ऊपर वन नाइन्टी का तो अब देखेंगे जैसे इसका हाईट टूटना था हमने एंट्री करनी थी यहां पर नहीं क्योंकि हमें एक और चीज़ करनी है वी वैप देखिये वी वैप ये कैंडल वी वैप के नीचे है तो हमने एंट्री यहाँ नहीं ली और हमें क्या चाहिए क्लियर कैंडल वी वैप के ऊपर एंट्री लेने के लिए तो आप देखेंगे यहाँ पर कहीं पर भी कोई भी कैंडल क्लियर नहीं है ना तो ऊपर ना तो नीचे आपको कोई क्लियर कैंडल दिखाई दे एक ये कैंडल है देखिए वी वैप के ऊपर है और उसने हाई भी तोड़ा तो आप अगर आपने यहाँ से एंट्री ली है विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस ट्वेंटी आपका स्टॉप लॉस ये वापस आया आपके स्टॉप लॉस के पास आया लेकिन वहाँ से ऊपर चला गया दस पॉइंट की वजह से और आपको पूरा प्रॉफिट लेन देखने को मिला तो फाइव मिनट्स का हैक जो था वो भी हमारा काम किया और आई होप आई होप उसके थ्रू भी पैसा बनाया होगा आप सब ने चलिए बात कर लेते हैं आने वाले दिन की ये तो प्रीवियस डे का एनालिसिस था आज की जो तो कैंडल पैटर्न बना है ये कैंडल इसको हम बोलते हैं बुलिश गल्फिंग पैटर्न इसमें क्या होता है फर्स्ट कैंडल को सेकंड कैंडल कैनल कवर कर लेती है और इसका टोटल यू नो you know, बुलिश ट्रेंड हो जाता है नेक्स्ट बार तो नेक्स्ट कैंडल आई एम एक्सपेक्टिंग गैप अप तभी मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी अपडेट किया था कि बाई एज मच हज यू कैन बिकॉज टुमारो विल बी अ गैप अप चौबीस सौ की कॉल लेके गए हैं ग्रुप मेंस और um, कल एक्सपेक्टिंग अप्रॉक्सीमेटली वन फिफ्टी टू टू हंड्रेड पॉइंट्स गैप अप एंड लेवल्स टूटते हुए मुझे दिख रहे हैं कि कहाँ तक जा सकते हैं तो ये लेवल तो डेफिनेटली टूटता हुआ दिख रहा है चौबीस हज़ार दो सौ का जो टारगेट है ये हम डेफिनेटली अचीव कर लेंगे लेकिन बैंक निफ्टी एक बड़ी छलांग की तैयारी कर रहा है जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी आपको बताया था मैं आपको दोबारा एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाना चाहता हूँ अगर आप देखेंगे तो एक ये ट्रेंड बन रहा है ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जो ये लेवल है चौबीस हज़ार ट्वेंटी फोर थाउजेंड पर आकर एक रेजिस्टेंस मिलेगा और अगर ऊपर खुलता है मार्केट न बोला डेढ़ 200 पॉइंट और इस ट्रेंड लाइन के पास जब प्राइस आएगा तो एक बार वापस जरूर आएगा रिट्रेस uh, करेगा टच करने के बाद अगर उसको नहीं टूटता है तो uh, लेकिन हमारी कॉल करेगी बाय ऑन डिप मॉर्निंग में कभी भी आपको कोई डिप मिलती है प्लीज़ बाय एट एंड गो लॉन्ग बिकॉज ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद जो हमारे टारगेट हमें देखे जा सकते हैं मैं तो ट्वेंटी की बात कर रहा हूँ सोच रहा हूँ हो सकता है एक्सपायरी आपको पच्चीस हज़ार के लेवल एक दिन के अंदर दिखा दे तो कल पच्चीस हज़ार अगर आपको देखने को मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा तो बट आई वन सेट दैट ट्वेंटी फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड का लेवल आपको ज़रूर बैंक निफ्टी कल दिखाने को uh, दे सकती है बल्कि ये लेवल आपका ज़रूर क्रॉस हो सकता है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड उसके बाद और लेवल आपको देखने को मिलेंगे स्टॉप uh, लॉस आप uh, कल के हिसाब से दे सकते हैं कल का जो डिप होगा डिप जो भी लो बनाएगी आप उसका बेसिकली स्टॉप लॉस रखकर लॉन्ग हो सकते हैं और आगे के लिए बाय कर सकते हैं तो यह बाय ऑन डिप आ, बैंक निफ्टी कल के लिए रहेगा निफ्टी एनालिसिस की बात करें निफ्टी को भी चार्ट पर जल्दी से देख लेते हैं कि निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया निफ्टी ये रहा मैं एक्चुअली एनालिसिस कर रहा था निफ्टी ने भी आज देखिए निफ्टी मोर साइडलाइन थी वो नीचे उतना नहीं गई जितना बैंक निफ्टी नीचे गई थी साइडवेज हो गई थी लेकिन यहाँ पर भी इसने एक डॉजी कैंडल के बाद अगर आप देखेंगे तो एक बुलिश एंड का पैटर्न बनाया थोड़ा सा गैप अप मुझे लगता है निफ्टी भी कल आपको दे सकती है और यहाँ से ऊपर जा सकती है 12,000 को अचीव करने के लिए हमारे पास 29 पॉइंट का गैप है वो गैप अप में ही ये अचीव कर लेगा तो 12,000 के ऊपर कल निफ्टी जो है वो ओपन होने वाली है और आपको लेवल देखने को मिल सकते हैं हमारा जो पहला रेजिस्टेंस इमीडिएटली रेजिस्टेंस जो मुझे लगता है वो होगा वो होगा ये जो कि है 12,200 और उसके बाद 12,400 ये दो रेजिस्टेंस लेवल जो ऐसे हैं एरिया नेवर अ नंबर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और सपोर्ट ये जो 12,200 एंड 12,400 के जो हमारे इमिजिएट रेजिस्टेंस है वो यहाँ से देखे जा सकते हैं एक बार ये क्रॉस हुआ तो निफ्ट, निफ्टी विल बी अ फ्री बर्ड वहाँ से और ऊपर जाने की कोशिश करेगा लेकिन एक बार यहाँ पर टकरा के थोड़ा सा रिट्रेस या साइडवेज होने की कोशिश कर सकता है लेकिन हमारे पास टारगेट है कल एक्सपायरी के दिन आपको बारह और बारह के बीच का रेंज देखने को मिल सकता है सो तो ट्रेड वाइजली Uh, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करता रहता हूँ अगर आपको कोई स्टॉक मुझे कोई स्टॉक दिखाई देता है जैसे कि मैंने 1400 पर ए की बाइंग रेकमेंड की थी ए सी अभी 1550 के आसपास चल रहा है उसका जो टारगेट है वो है एटीन इन थर्टी टू फोर्टी डेज़ तो मुझे लगता है कि बाई दी एंड ऑफ अक्टूबर और, और फर्स्ट वीक ऑफ नवम्बर तो वो सत्रह सौ का टारगेट अपना अचीव कर लेगा ए बाटा की बाटा भी ऑन अ वर्ज ऑफ अ ब्रेकआउट उसके भी टारगेट काफ़ी अच्छे हैं अगर आपको मिलता है बाटा तो आप ले सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर ये सब अपडेट करता रहता हूं तो जुड़े रहिए ताकि आपको टाइम टाइम पर अच्छे आने वाले ट्रेड जो आपको प्रॉफिट दे सकते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर और इन्वेस्टमेंट परपजेस के लिए भी आपको पता लग सके सो so, ये रहा हमारा बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस आई होप यू लाइक इट डू नॉट गेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो शेयरिंग इज केयरिंग आई ऑलवेज से शेयर इट विद योर ट्रेडर्स फ्रेंड्स एंड ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप सो दैट यू कैन बी अपडेटेड विद अपडेटेड नंबर्स हैक्स एंड ट्रिक्स फाइव मिनट्स हैक सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडर्स वीडियो नहीं देखी है तो अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में है जाके जरूर देखेगा और इन्जॉय कीजिएगा आने वाले पैसे को थैंक यू सो मच गाइस हैव अ वंडरफुल डे एंड सी यू मोर्ना